अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव फिरोजाबाद शहर की जनहित समस्याओं को लेकर नगर निगम पहुंचे, जिसमें कई सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्होंने नगर आयुक्त विजय कुमार से मुलाकात की और शहर की कई समस्याओं को लेकर चर्चा भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि ढोलपुरा में कुछ दिन पूर्व एक बच्चे की नाले में गिरकर मौत हो गई थी, क्योंकि वहां नाला काफी गहरा है, जिसे ऊपर से ढकने के लिए बात भी कही गई थी, क्योंकि वहां कई हादसे हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि लालव रोड से रहना तक एक नाले का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है और शहर में जगह जगह मेन होल खुले पड़े हैं, जिसको लेकर उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं नगर आयुक्त द्वारा भी उन्हें आश्वासन दिया गया और 15 दिन में जो भी कार्य अधूरा पड़ा है उसे पूरा कराने की बात भी कही। फिरोजाबाद से सचिन यादव की रिपोर्ट। जी सर, अभी डॉक्टर दिलीप यादव एमएलसी यहाँ नगर निगम में आना हुआ है, क्या क्या समस्या थी जिनको लेकर आपसे मुलाकात की गई है? देखिए एमएलसी साहब, अपने नगला भाव सिर्फ के ढोलपुरा आदि क्षेत्रों की समस्याओं को लेके रहना भी सम्मिलित था। उनमें कई समस्याएं थी, एक कोई कुछ सड़कों के निर्माण के संबंध में थी, एक नाला को लेकर समस्या थी, एक जो सर्विस रोड का अंडरग्राउंड नाला है उसमें जो मैन होल कवर है या मैन होल है वो दूरी पे स्थापित होने के कारण जल भराव की समस्या है। एक फैक्ट्री का भी पानी सड़क पर आने की उन्होंने शिकायत की थी, तो 6-7 समस्याएं लेके और जनता के कई लोगों के साथ लेके हमसे मिले थे, तो उन्होंने अपना जो भी है अपने पत्र दिए हैं, उस पर हमने उनको आश्वासन दिया है कि जांच करा के जो भी संभव कार्रवाई हो वो कराई जाए। जी सर, आज नगर निगम में आपका आना हुआ है, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से समस्याएं काफ़ी थी? हम सब लोग एकत्रित होकर आए हैं, इनको सब बता दिया है। ढोलपुरा में बच्चा खत्म हो गया था नाले में गिर करके, वहाँ नाले की गहराई बहुत है, तो वहाँ उसको ऊपर से ढकने के लिए हमें बताया, तो वो सहमत है इस बात से रहना। और अगला भाव रोड पे एक नाला किसी ने स्टे लगा दिया, तो स्टे अब बैकेट हो गया है, उसमें भी जो नाला पानी भर जाता है, तो नाले मेन नाले तक पानी जाना है, उसकी समस्या रखी। ककरो एक प्राइमरी स्कूल है, उसके पीछे सड़क के नीचे सड़क खोखला हो गई है, कोई व्यक्ति तालाब में कर सकता है। इसी तरह से जलेश्वर रोड और कोल्ला रोड के बीच में ये पुलिया बनी है, पुलिया पर पैराफेट नहीं है, उसकी बात हुई। इस तरह से जन इतना कई समस्याएं थी जो बरसात के दौरान भारी दिक्कत आ रही है और जीवन से जुड़ी हुई है, कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो लिख करके दे दिया है, उन्होंने स्वीकार है, उन्होंने कहा ठीक, इसका महीने भर में 15 दिन के बीच में सारे काम करा दिए जाएंगे। तो जनता की समस्या को लेकर हम लोग आए थे और विजय कुमार जी जो नगर आयुक्त थे उनसे मिले, सारी बात बताई है, मुझे लगता है उन्होंने आश्वासन दिया ठीक है करा दिया। सर, जिस तरीके से महापौर हमारे फिरोजाबाद की महापौर फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है और स्वच्छता किस तरीके से देखी जा रही है फिरोजाबाद? स्मार्ट सिटी कहाँ से बन पाएगी? पहले ये छोटी छोटी समस्या है, मूलभूत उन पे नजर नहीं डाल रहे, उनको नहीं देख रहे हैं, और उनमें ऐसी ऐसी घटनाएं जो जीवन से जुड़ी हुई है, कोई नाले में गिर गया नीचे तो उसकी मौत ही हो जाएगी, कि पैराफेड नहीं है, कि नाला पटा हुआ नहीं है, कि छोटी नाली पटी नहीं है, ये व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं, पानी भराव में दिक्कत आ जाती है, मैन हॉल खुले रहते हैं और मैन हॉल बहुत दूरी दूरी बने हुए हैं, वो हमने सब समस्याएं बताई हैं, कहाँ से ये कर लेंगे? पहले शहर को स्वच्छ तभी अच्छा बना सकते हैं कि हर चीज समस्या पर गौर करें और समस्या का समाधान करें, जो समाधान नहीं हो पा रहा समय से।